हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, फाइनली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC मोहन बगान सुपर जायंट के साथ हार चुका है और इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC मोहन बगान सुपर जायंट के साथ किन किन गोलियों के वजह से हार का सामना करना पड़ा, इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बात करूँगा। टू लेट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC आज का मैच अटैक से स्टार्ट किया था और इसी अटैक के वजह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 4 मिनट में ही एक शानदार वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग से लीड ले लिया था। बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का कोच गलतियों के वजह से इस मैच को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को 3-1 स्कोर लाइन से हार का सामना करना पड़ा। मेन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का गोलकीपर मिर्शाद मिर्सू ने गलतियाँ किया है। मिर्शाद मिर्सू ने कई बार गलतियाँ किया है आज का मैच में और इन गलतियों के वजह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को 2 गोल एक्स्ट्रा खाना पड़ा। पहला जो गोल आया था दीपक टांगरी से, इन बॉल को मिर्शाद मिर्सू पहले ही क्लियर कर सकते थे। यहाँ पे मिर्शाद मिर्सू को पंच आउट करना जरूरत नहीं था, इसलिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को इन गोल को खाना पड़ा। मिर्शाद मिर्सू का इन पंच आउट के वजह से गोल पहले गोल देखने को मिला और इसके बाद भी मिर्शाद मिर्सू ने बहुत सारे कई सारे गलतियाँ कर रहे थे और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने पोजिशन भी लूज कर रहा था और फाउल के बाद फाउल खेल रहा था और इसी वजह से तंदम्बा सिंह को सेकेंड येलो कार्ड के वजह से रेड कार्ड मिल गया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को 10 प्लेयर से खेलना पड़ा। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के पास एक प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर ना होने के वजह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गोल स्कोर नहीं कर पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने बहुत अच्छे से अटैक बना रहा था और बहुत ही ज़्यादा चांस क्रिएट कर रहा था, बट एक प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर ना होने के कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC मैनेजमेंट को एक न्यू प्रॉपर स्ट्राइकर को ढूंढना चाहिए। और इसके बाद जो लास्ट गोल हुआ था, इस गोल को देख के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का सारे फैन निराशा होगा, क्योंकि मिर्शाद मिर्सू ने इतना अच्छा बॉल को छोड़ दिया और छोड़ने के कारण इस बॉल को गोल में चला गया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का आज का मैच हारने का मेन रीजन है मिर्शाद मिर्सू, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का गोलकीपर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC से एक रिक्वेस्ट है कि मिर्शाद मिर्सू का रिप्लेसमेंट जल्द ही ढूंढना चाहिए और जो 24 दिसंबर का मैच में मिर्शाद मिर्सू को खिलाना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से दीपेश सुहान सिंह को ही खिलाना चाहिए। ये मेरा राय है, आप लोगों का राय क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय अहोम, वंदे मातरम।